ये मिल गया है मेरे को प्रॉब्लम, दोबारा से लिख लें आप लोग। फॉर ईच के, फॉर ईच के, दोबारा से लिख लो, फॉर ईच के एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लेट सी के डिनोट द सर्किल, सी के डिनोट द सर्किल, ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किल है सी के, एंड इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, सी के इज नथिंग, ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। नेक्स्ट आगे लिखिए, ऑन द सर्किल सी के, ऑन द सर्किल सी के अ पार्टिकल मूव्स के यूनिट्स, ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑन द सर्किल सी के अ पार्टिकल मूव्स के यूनिट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे आगे लिखो, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के द पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस वन इन द रेडियल डायरेक्शन, पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस वन, सी के प्लस वन किसका रिप्रेजेंटेशन है, सी के प्लस वन सर्किल का, जिसकी रेडियस कितनी है के प्लस वन, इन रेडियल डायरेक्शन। आगे लिखिए, द मोशन ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, बहुत धुरंधर कुछ प्रॉब्लम है यार, द मोशन ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, फिजिक्स की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1.0, अरे भैया द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1.0। आगे लिखिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो रही है, इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सी एन सर्किल, ऑन सी एन सर्किल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फिजिक्स की प्रॉब्लम है मेनली ये, ढंग से समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आ जाए, जरूरी नहीं है आ जाए, बहुत छोटा बन गया यार, शिट। गायब करते हैं, ज्यादा छोटे बन गए, एक एक सर्कल बनाते हैं, एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, ज्यादा सर्कल नहीं बनाने हैं, दो और तीन खत्म, अब तो पैटर्न आ गया बनाने का, चार भी बना सकते हैं। देखिए यार समझिए, मेरे पास एक पार्टिकल है, ये वन है, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये सी फोर है, तो सी वन 1.0 पे है, तो ये इस वाले सर्किल की क्वेश्चन ये क्या 1.0 है, इस फर्स्ट सर्किल की क्वेश्चन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, सी वन की क्वेश्चन ये होगी, सी टू की क्वेश्चन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितनी होगी, सी टू की क्वेश्चन कितनी होगी, फोर, सी थ्री की क्वेश्चन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन। तो ये हमें ये बताया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है और सी के पे कितने यूनिट चलता है, वन यूनिट, मतलब सी के पे के यूनिट, तो इसका मतलब जो फर्स्ट सर्किल है उस पर वन यूनिट इधर चला ये, ठीक है ना, इतना चलने के बाद क्या होता है भाई, इसका मूवमेंट कैसा होता है, के यूनिट चलने के बाद फिर किस पे आ जाता है, सी के प्लस वन पे आ जाता है, तो जब ये सी के प्लस वन पे चला गया तो इस पर कितना यूनिट चलेगा, इस पर वन यूनिट चला है तो इस पर कितना चलेगा, टू यूनिट, मतलब सीके प्लस वन पे, जैसे सीके पे कितना यूनिट चलता है, के यूनिट, तो सीके प्लस वन पे कितना चलता है, के प्लस वन यूनिट, सीके प्लस टू पे कितना चलेगा,
के प्लस टू यूनिट, तो ये वन यूनिट चला, ये टू यूनिट चला, फिर रेडियल मूव कर जाता है, इस पर कितना चलता है, फिर थ्री यूनिट, फिर रेडियल मूव कर जाता है, इस पर कितना चलेगा, फोर यूनिट। तो ऐसे करते करते ये पहली बार प्रोसेस हो रही है, पहली बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को किस पे क्रॉस कर रहा है, सी एन पे, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। कैसे किया जाए, लेंथ काउंट करना तो बड़ा टेढ़ा मामला है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है ये, क्या चीज सेम है। अगर सीके पे वन यूनिट चल रहा है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, आर इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा होता है ना। तो ढंग से समझना, थीटा जो है वो कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है लगभग। मतलब अगर ये लेंथ वन है तो रेडियस वन है, ये लेंथ टू है तो रेडियस कितनी है, टू है, ये लेंथ थ्री है तो रेडियस कितनी है, थ्री है, ये लेंथ फोर है तो रेडियस कितनी है, फोर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो हर मूवमेंट में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, वो सेम है, वन है। समझ आया कि नहीं, ढंग से सुनिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, आर का अपॉन रेडियस। तो सीके पे कितने यूनिट चलाई है, के यूनिट, सी वन पे कितने यूनिट चला है, वन यूनिट, और वन ही इसकी रेडियस है, तो ये एंगल कितना आया, वन। सी टू पे कितने यूनिट चला है, और जब रेडियस टू है तो उसपे कितना यूनिट चला है, टू यूनिट, तो टू अपॉन टू, एंगल कितना आया, वन। बात समझ में आ गई ना। तो बस प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो गई, पहली बार अगर ये क्रॉस करेगा इसे तो कितने एंगल मूव हो जाना चाहिए, टू पाई। तो टू पाई का मतलब क्या है, हमें तो भाई वन रेडियन टू रेडियन इसमें काउंट हो रहे हैं, तो टू प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा समझने के बाद टू इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई करना था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट टू सिक्स, क्या, अरे भैया एक ये चला तो पहली बार अगर इसे ऐसे ही ओवरऑल इधर डिस्प्लेस होता जा रहा है ना, तो पहली बार ऐसे डिस्प्लेस होते होते पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, तो तब तक एंगल कितना क्रॉस हो चुका होगा, टू पाई। दूसरी बार अगर क्रॉस करना होगा तो कितना क्रॉस होगा, फोर पाई। तीसरी बार क्रॉस करना होगा तो सिक्स पाई। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, पहली बार कब क्रॉस करे, कौन से राउंड में करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.24। तो छह तो पूरे हो चुके होंगे, सातवें पे चल रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पहली बार क्रॉस करेगा। तो सी एन की वैल्यू, एन इक्वल टू कितना होगा, सेवन, सेवन सर्कल पे मूव कर रहा होगा तब वो पहली बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मूव करेगा। समझ आया, थोड़ा फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, जैसे 6.24 हुआ ना एंगुलर, 6.28, तो छह तक तो हर जैसे सी वन के लिए कितना एंगल गया, वन, सी टू के लिए वन, दूसरे के लिए टू हो गए, तीसरे के लिए तीन हो गया, फोर्थ के लिए फोर हो गया, फिफ्थ के लिए फाइव हो गया, सिक्स्थ के लिए सिक्स हो गया, तो 6.28 आया है, तो सिक्स से सेवंथ पे मूव, सेवंथ वाले पे मूव कर रहा होगा ना, वो सेवन आंसर हो गया, सेवन एन इक्वल टू कितना आएगा, सी एन सर्किल पे, सेवंथ सर्किल पर मूव कर रहा होगा तब वो पहली बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। समझ आ गए, कोई डाउट, ढंग से आया कि नहीं है? समझ आ गया ना ये, ओके गुड, ठीक है।